तो बिहार की जनता स्पष्ट संकेत दे दी है आगे क्या होना है, लेकिन इससे रुपौली को तुलना नहीं किया जा सकता है। रुपौली में और सारी फैक्टर है, उस फैक्टर को हम लोग, और सारी बात है, सब बिंदु को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, रुपौली उपचुनाव का परिणाम जो है वास्तव में हैरान करने वाली, ये जो एनडीए की हार है ये हम लोग सोचा भी नहीं था, लेकिन हार जीत तो एक चुनाव का अंग है, हिस्सा है चुनाव का, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन बहुत कम अंतराल से हम चुनाव हारे हैं। और जो हार का मुख्य कारण है उस पर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में हैं, और संपर्क करने के बाद जब उसका फीडबैक अच्छी तरह से आ जाती है तो उसमें जो सुधार करने वाली होगी हम लोग सुधार देखेंगे, करेंगे, कहाँ हमसे भूल हुई, कहाँ हमसे चूक हुई, किस कारण हम चुनाव हारे, इसको देखेंगे। लेकिन जो आप देखें कि लोकसभा जो विगत चुनाव हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, उस परिणाम के आंकड़े से जब देखेंगे विधानसभा का जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा संकेत करती है कि आगे जो हमारा 2025 में बिहार की जनता क्या चाहती है। 243 में 177 एनडीए के पक्ष में बढ़त है विधानसभा में, और मात्र 66 पर महागठबंधन की बढ़त है। तो ये तो स्पष्ट है कि 74 हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की बढ़त रही है, 68 हमारे सहयोगी दल का ये भाजपा की बढ़त रही है, 29 हमारे रामविलास हम की जो बढ़त रही चिराग पासवान जी के, 6 हमारे हम पार्टी की बढ़त रही है। तो बिहार की जनता स्पष्ट संकेत दे दी है आगे क्या होना है, लेकिन इससे रुपौली को तुलना नहीं किया जा सकता है। रुपौली में और सारी फैक्टर है, उस फैक्टर को हम लोग, और सारी बात है, सब बिंदु को हम लोग देख रहे हैं और देख के बाद में मीडिया के साथ ही इससे ब्रीफ करेंगे और अपनी समीक्षा करेंगे। कुछ बाइकपोल आने वाले हैं क्या उसके पार्टी को इस्लामपुर है, 3-4 जगह और चुनाव होने वाले हैं जो लोकसभा में चुने गए सदस्य खाली हो जाएगा, उसके लिए पार्टी की तैयारी? नहीं, बिल्कुल सभी जगह जो हमारा एनडीए घटक दल है वो हर सीट पर जो है, जो भी हमारी सीट का है, कहाँ कौन लड़ेंगे आपस में लोग तय कर दिया है, लेकिन तय हो गया है, जब उसका नोटिफिकेशन होगा लोग बताएंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व इसकी जानकारी देंगे या उसको मीडिया को हम लोग बताएंगे। और निश्चित रूप से सभी जगह हम लोग तो दिन रात, ये नहीं है कि समय आने पर, तैयारी जो है चुनाव का, हम लोग चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। और इस बार जो है हमारी 2025 जो हमारी पार्टी का मिशन है, एनडीए घटक दल का मिशन है, बिहार में फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी और बेहतर प्रदर्शन होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा। चिंतन तो वो लोग करें, आत्ममंथन तो वो लोग करें जो आज देखें क्या हाल हुआ। अभी जो है आरजेडी वाले लोग जो है, महागठबंधन के लोग जो दिए, उनकी अंतराल कितना नहीं, विगत चुनाव में वहाँ एमपी के चुनाव हम तो ठीक है, हम हारे हैं मानते हैं, लेकिन कितने, बहुत कम अंतराल से हारे। इसके पहले भी देख लीजिए कि अभी जो है लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव में भी हमारा ठीक है, हम विगत चुनाव जो है 2019 के चुनाव हमने 39 सीट प्राप्त किया था, एक सीट पर हम लोग हार गए थे, तो मेरा 40 उसका लक्ष्य था मेरा, तो 40 के करीब कौन है, 40 के करीब एनडीए ही है। उसी तरह आज लक्ष्य के करीब कौन है, 243 में देखेंगे तो 177 हमारा एनडीए का लक्ष्य, मैंने एनडीए वहां तक बढ़त में है, तो लक्ष्य के करीब हम हैं। आज भी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में लोगों का आस्था है, विश्वास है, और हमारे नेता भी दिन रात बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहते हैं। मैंने कहा ना कि अपने सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, अपने जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक लेके विस्तार से, कहीं भूल हुई होगी, कहीं चूक हुई होगी तो हम उसकी समीक्षा करके, कारण चुनाव हारने का मुख्य कारण हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग इसकी समीक्षा करने विस्तार से बताया जाएगा। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं भ्रम जाल टूट गया, भ्रम तो उनकी टूटनी चाहिए ना, वो कहाँ थे। जब आप जब देखें कि महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का आकार किसने दिया, इंडिया गठबंधन का आकार हमारे नेता ने दिया ना। आज जो इतने सीट लाए हैं वो भी हमारे समझिए कि इंडिया गठबंधन बनाने का कारण हमारे नेता ने हमको जन्म कर दिया। तो कहाँ थे, किस जगह पर थे, परिवार से अलग सोच सकते हैं वो लोग, जो उनकी गठबंधन है, चाहे जहां की गठबंधन देख लीजिए, वो परिवार से अलग सोच नहीं सकते, तो भला राज्य और देश का सेवा क्या करेंगे।